दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, यानी कह सकते हैं प्रसार भारती का ओटीटी ऐप बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और इसी लॉन्चिंग से जुड़ी अपडेट है दोस्तों। और प्रसार भारती ये चाहता है और इसीलिए नोटिफिकेशन भी जो 5 अगस्त 2024 को आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि लाइव टीवी चैनल्स अगर ब्रॉडकास्टर्स प्रसार भारती के आने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड कराना चाहते हैं तो वो 12 अगस्त 2024 तक एप्लीकेशन जमा कर दें ताकि ये प्रक्रिया आगे बढ़ सके और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनके चैनल्स ऑन बोर्ड हो सकें, मतलब लॉन्च हो सकें, शुरू हो सकें। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या अभी कोई प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है या लॉन्चिंग स्टेज में है। दोस्तों ओटीटी का जो प्रसार भारती का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो लॉन्चिंग स्टेज में ही है और बहुत जल्द प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च भी हो जाएगा। दोस्तों आइए चलते इस वीडियो के अगले हिस्से में और डिटेल में बातें इसी विषय पर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और आइए अब आपको समझा देते हैं कि आखिर में ये जो पूरा नोटिफिकेशन है जो प्रसार भारती के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2024 का है, इसके मायने क्या हैं और प्रसार भारती किस तरीके से रेवेन्यू गेन करेगा जब अलग अलग टीवी चैनल्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि नया लॉन्च होने वाला है प्रसार भारती का उस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों जो डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर स्लॉट्स सेल होते हैं या फिर यूँ कह लें कि जिन स्लॉट्स पर चैनल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं उसका प्रॉपर ई ऑप्शन होता है, सेम तो नहीं है दोस्तों लेकिन मिलता जुलता जरूर है, उस पर भी एक डेट दिया जाता है फिर ऑनलाइन ई ऑक्शन होता है। यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस थोड़ा अलग है, जो ब्रॉडकास्टर्स एप्लीकेशन जमा करते हैं 12 अगस्त 2024 तक फिर वो स्क्रूटनी करेगा प्रसार भारती, उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर जो चैनल्स खरा उतरते हैं उनको प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नया लॉन्च होने वाला है उस पर ऑनबोर्ड कराएगा, यानी कि वो चैनल्स प्लेस हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात एक और है कि आखिर में जब ये प्रोसेस पूरा होगा तो कब से चैनल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं प्रसार भारती के ओटीटी ऐप पर। दोस्तों प्रसार भारती का ओटीटी ऐप तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, हाँ लेकिन बहुत जल्द लॉन्च जरूर हो जाएगा। जैसे ही प्रसार भारती का ओटीटी ऐप लॉन्च होता है दोस्तों और जब चैनल उस पर प्लेस होते हैं प्रसार भारती के ओटीटी ऐप पर, उस दिन से लेकर के 1 साल तक वो कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद फिर वापस से सेम प्रोसेस प्रसार भारती करेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू गेन करने का, यहाँ पर रेवेन्यू दोनों गेन करेंगे दोस्तों, प्रसार भारती भी और ब्रॉडकास्टर्स भी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अपडेट, इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट अगर निकल करके आती है दोस्तों तो हम जरूर आप सभी को देने की कोशिश करेंगे।